पंजाब में कई इलाकों में किसानों और पुलिस में झड़प जारी है। मामला पराली जलाने का है, जिसको लेकर किसानों पर केस हो रहे हैं। सोमवार को पंजाब के किसानों ने राज्य में डीसी दफ्तर के सामने प्रदर्शन किया। इस दौरान भी धक्का मुक्की होती रही। जब किसान को सरकार गंभीरता से नहीं लेती और ना केंद्र सरकार ना पंजाब सरकार, वो कहती है कि किसानों पर पर्चे करो और किसानों को जेल में डालो, और वो जो पराली का मसला है उस पर कोई भी वो गंभीरता नहीं दिखाती। के हालांकि पंजाब सरकार और केंद्र सरकार की जिम्मेवारी बनती है कि वो किसानों को बोनस दे 200 रुपये प्रति क्विंटल और जहाँ 5,000 रुपये जो है प्रति एकड़ मुआवजा दे, ताकि किसान पराली को किसी नष्ट कर सके। दरअसल प्रदूषण के मसले पर सुप्रीम कोर्ट की कड़ी फटकार और कैबिनेट सचिव के दिशा निर्देश के बाद पंजाब पुलिस ने पराली जलाने वाले किसानों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की है। 8 नवंबर के बाद अब तक दोषी किसानों के खिलाफ कुल 932 FIR दर्ज किए गए हैं। 7405 मामलों में 1,67,00,000 तक जुर्माना लगाया गया है। पराली जलाने की घटनाओं को रोकने के लिए राज्य में 1072 फ्लाइंग स्क्वाड्स तैनात किए गए हैं। पराली जलाने से होने वाले नुकसान के बारे में किसानों को समझाने के लिए पुलिस अधिकारियों ने किसान नेताओं के साथ 2189 मीटिंग की है। पंजाब में पुलिस और प्रशासन की सख्ती की वजह से पराली जलाने की घटनाएं कुछ कम जरूर हुई हैं, लेकिन अब भी पूरी तरह से नहीं रुक पाई है। इस वजह से दिल्ली NCR इलाके में बुधवार तक प्रदूषण का स्तर वेरी पुअर कैटेगरी में बने रहने की आशंका है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मीटरोलॉजी के मुताबिक 23 नवंबर के बाद दिल्ली NCR इलाके में वातावरण में बदलाव होगा, हवा की रफ्तार थम जाएगी और प्रदूषण का स्तर एक बार फिर सीवियर कैटेगरी तक पहुंच सकता है। नॉर्थ वेस्टर्ली विंड रहने की उम्मीद है, एवरेज वही 10-20 किलोमीटर पर आवर्स तक ऑन एवरेज, और उसके बाद अगर आप जो सैटेलाइट पिक्चर्स देखेंगे कि आपको क्लाउड पैच दिख रहा है, हालांकि इस समय तो बहुत प्रोमिनेंट सा दिख रहा है, लेकिन आते आते ये वीक हो जाएगा और ये 23 को जम्मू कश्मीर वगैरह में लाइट स्नोफॉल रेनफॉल दे सकता है, और इसके कारण क्या होगा फिर थोड़ा जहाँ पे विंड पैटर्न चेंज होने की उम्मीद है, जहाँ पे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं उसके बाद NCR रीजन, ये सारा रीजन हरियाणा UP में ईस्टर्ली विंड सा निकाल गई थी। पंजाब सरकार के मुताबिक सख्ती का असर जमीन पर दिखने लगा है। पिछले शनिवार को सिर्फ 637 और रविवार को करीब 740 पराली जलाने की घटनाएं दर्ज की गई। आप किसानों पर फाइन लगा रहे हैं, आप कितने SUV ड्राइवर के ऊपर फाइन लगाते हैं दिल्ली में, राइट? तो बात तो समाधान की है, बात ये नहीं कि आप सिर्फ पेनलाइज करें। आज और दो दिन शायद वेरी पुअर कैटेगरी में हम रहेंगे, पर उसके बाद फिर से मौसम में बदलाव आएगा और जब शायद हम सीवियर तक फिर पहुँचे, तो अब इसके लिए जो प्रेपरेशन, जो तैयारी है वो हमें अभी से करना है। जाहिर है दिल्ली NCR इलाके में प्रदूषण के मोर्चे पर संकट कुछ दिन और बना रहेगा। मोहम्मद गजाली और कैमरा पर्सन कानन पात्रा के साथ हिमांशु शेखर, NTV इंडिया।